IDTV presents महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मानसरोवर गार्डन एफ ब्लॉक में भंडारे का आयोजन किया गया। दिल्ली NCR में रिमझिम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। दिल्ली कैबिनेट ने परिवहन विभाग के बसों में CCTV कैमरा, ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन व पैनिक अलार्म लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार की ओर से निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने संबंधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद NGT ने भी इस क्षेत्र में ठोस कचरे की डंपिंग से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने में विफल रहने पर गुरुग्राम निगम को कड़ी फटकार लगाई है। पुरानी दिल्ली इलाके में पार्किंग की समस्या से अब जल्द निजात मिलेगी। उत्तरी दिल्ली MCD ने चर्च मिशन रोड, चांदनी चौक, नोवेल्टी सिनेमा समेत अन्य क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं में सुधार और विस्तार करने का खाका तैयार किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 56 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आज 2 आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद, भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने की है, जबकि विपक्ष की प्राथमिकता मोदी को खत्म करने की है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 5 अलग अलग जगहों पर इतनी संख्या में कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर झाड़ू लगाई है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के राफेल विमान से जुड़े एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी की वजह से इस लड़ाकू विमान की आपूर्ति में विलंब हुआ और ऐसे में विंग कमांडर अभिनंदन जैसे बहादुर पायलट को पुराने विमान उड़ाकर अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ा। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।